कामयाबी की एक और छलांग लगाई है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने अपना दूसरा के रहस्यों को जानने अंतरिक्ष रवाना हुए आदित्य L1 ने कामयाबी की एक और छलांग लगाई है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने अपना दूसरा राउंड पूरा कर लिया है और अब आदित्य का तीसरा मैनूवर 10 सितंबर रात करीब 2:30 बजे शुरू होगा। आदित्य L1 धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदल रहा है जिससे आदित्य अपनी रफ्तार को हासिल कर सके। इस यात्रा को पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वे सभी एक्टिव हो जाएंगे। फिर सभी यंत्र सूरज की स्टडी शुरू कर देंगे। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर रवाना हुआ है। ये पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का जायजा लेंगे। ये पेलोड सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये सूरज और धरती के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता लगाएगा। चंद्रयान की सफलता के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर टकटकी लगाए बैठी है। देशवासियों को उम्मीद है कि चांद पर विजय पताका फहराने के बाद अब सूर्य से साक्षात्कार में इसरो कामयाब होगा। साथ ही विज्ञान में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा।